हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी पे, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको IIT जैम, जेस्ट, गेट और CSIR नेट फिजिक्स के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस सॉल्यूशन हैं और जितने भी हमारे थ्योरीज बेस्ड हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये जो वीडियो है हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो चल रहे हैं आजकल, जो होने वाले फ्यूचर में कभी भी हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इंस्टेंट रिवीजन हो सकता है, जैसे कि आपके फॉर्मूले जो भी रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अपकमिंग एग्जाम्स है, IIT जैम हो गया, जेस्ट हो गया, DRDO जो भी है, इन सब के लिए जितने भी अगर न्यूक्लियर फिजिक्स बिलोंग करता है आपके सिलेबस से, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट वन माना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं वही मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम दूसरा पार्ट भी ज़रूर लेके आएंगे, और अगर फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए तो आपका 50-70% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो 70% तक क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले पर ही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है उसको, जिससे कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली पहला फॉर्मूला हमारा न्यूक्लियर रेडियस या फिर न्यूक्लियर साइज जिसको बोलते हैं, वो हमारा होता है R = r0 a^3। ठीक है, वेयर r0 = वैल्यू इतनी होती है 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। ओके, जिसको हम 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं, वेयर 1 Fermi = 10⁻¹⁵ मीटर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला है उसका मास डिफेक्ट या फिर मास चेंज भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, अगर कहीं पर मास चेंज अगर दिखे तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो δm = हमारा हो जाता है zmp + nmn - mzn। ठीक है, तो यहाँ पे जो δm है दोस्तों, वो हमारा मास डिफेक्ट या फिर मास चेंज बोला जा सकता है, और mzn जो है हमारा मास ऑफ द न्यूक्लियस हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद z = प्रोटॉन, एंड N = न्यूट्रॉन, एंड mn मतलब मास ऑफ द न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और mp जो होता है हमारा मास ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों, वो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन से होकर आता है, वो हमारा होता है पैकिंग फ्रैक्शन = मास डिफेक्ट अपॉन ए। ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन ए। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को हम ऐसे इजीली लिख सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस मास नंबर। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, सारे टर्म्स को नोट करते जाइए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फोर्थ नंबर, वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का होता है। बाइंडिंग एनर्जी = हम बेसिकली लिख सकते हैं कि मास डिफेक्ट c². ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा ऐसे कहीं, ये मास डिफेक्ट c² आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर मास चेंज, या फिर इसको बेसिकली हम लिखते हैं अपने जो एनर्जी मास रिलेशन होता है दोस्तों हमारा आइंस्टाइन का, e = mc². ठीक है, तो m हमारा ये हो गया और c² हमारा इतना हो गया। amu में होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, वो हमारा होता है √LL+1 ℏ। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों 0, 1, 2 से n-1 तक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दोस्तों ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है दोस्तों, वो हमारा 2L+1 तक होती है, और इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है -L से +L तक होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो हमारा बोहर मैग्नेटन का होता है, जिसको हम μ0 = EH × 2m, जिसकी वैल्यू जो यूनिट होती है दोस्तों, वो हमारी जूल पर टेस्ला होती है। ठीक है, ये हमारा बोहर मैग्नेटन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो हमारा होता है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, जिसकी जो वैल्यू होती है फॉर्मूले की m = ZmP + mn - AvA / a^2 2/3 + ac z - 1 / a^2 1/3 + aa। ठीक है, a − 2z² / a − ap / a^2 − 3/4। ठीक है, यहाँ पे जो ए वी है दोस्तों, वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जब हम वॉल्यूम एनर्जी टर्म को सॉल्व करेंगे। ए एस जो आएगा, वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर सरफेस एनर्जी टर्म के लिए आएगा। ए सी जो है दोस्तों, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर कूलॉम एनर्जी टर्म के लिए आएगा। ए ए जो है दोस्तों, हमारा सिमेट्री एनर्जी वाला जो टर्म अगर फाइंड आउट करें, उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एपी जो हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर पेयरिंग एनर्जी टर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दोस्तों, हमारा होता है मोस्ट स्टेबल आइसोटोप, वो हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है जेड नॉट से, जिसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों −4AA − mn − mp / 2 इतना। ठीक है, 4AA / a + ac / a^2 1/3। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल आइसोटोप का होता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, हमारा क्यू वैल्यू का आता है। क्यू वैल्यू = m1 + m2 c² - m3 + m4 × c². ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं दोस्तों q = e3 + e4 - e1। और अगर बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की दोस्तों, q वैल्यू से रिलेटेड, तो हमारा होता है -q m1 + m2 +
एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी का होता है दोस्तों। तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप लोग अगर आई टी जेम हो गया, सेसर नेट हो गया, जो भी फ्यूचर कमिंग जो भी हमारे फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर प्रिपेयर होते हैं, आप इन सबके फॉर्मूले को रट सकते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ इनको सॉल्व कर लीजिएगा और इन पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप हमें अन अकेडमी पैकेज चेक कर सकते हैं, आपको जो भी हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कोर्स है वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आजकल मैं जेस्ट DRDO IIT JEE सबसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।